देखिए, देश की आधी आबादी ने अपने आरक्षण के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 27 साल से महिलाओं ने इंतजार किया। प्रचंड बहुमत की एक सरकार आई 2014 में, 2010 में हमने राज्यसभा में पारित करा दिया था। अगर सरकार चाहती तो 14 में आते ही तुरंत ये बिल पारित कराती और महिला आरक्षण 2019 के चुनाव में हो गया होता। हमारे लीडर्स ने, सोनिया जी ने और राहुल जी ने लगातार इसकी पैरवी करी, चिट्ठी लिखकर दबाव बनाया, सब कुछ किया। सरकार ने महिला आरक्षण कर दिया और हमने उसका बिना शर्त समर्थन किया। लेकिन असलियत यह है कि सरकार ने जो परिसीमन और जनगणना की कंडीशन लगा दी है, उसके चलते 2039 से पहले महिला आरक्षण नहीं हो सकता है। ये एक असलियत है, ये पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने जो ओबीसी का कोटा इसमें नहीं डाला है, उस पर हमारी विशेष उस पर टिप्पणी भी है और उस पर विशेष खिलाफत भी है। एक जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश से आ रही है और ज़रूर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके पहले सरकार ओबीसी की महिलाओं को भी वो नेतृत्व करने की क्षमता और सशक्तिकरण दे जो बाकियों को दिया है। आपका जो इंडिया अलायंस है, जहां का लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली के एक इवेंट में कहा कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम सब जीत रहे हैं, उसके बाद इनका कहना यह है कि यहां पे जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है और हर अलग अलग स्टेट में देखा जा रहा है कि जो अलग की पार्टियां वो अपने कैंडिडेट्स को घोषित कर दे रही हैं, तो उसके ऊपर बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी के जो ख्वाब हैं ख्वाब रह जाएंगे। ख्वाब तो बहुत मोदी जी ने भी देखे थे, कर्नाटक और हिमाचल जीतने के। हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते थे, कर्नाटक में जाकर बड़े बड़े नारे लगवा रहे थे। कर्नाटक की जनता ने दिया ना मुंह तोड़ जवाब। देखिए, जनता जब परिवर्तन करने पर आ जाती है तो ये सारे के सारे लोग धराशायी हो जाते हैं। मोदी जी को पता है कि आने वाले चुनावों में उनकी बड़ी हार होने वाली है और उसी से बौखलाकर, उसी से घबराकर वो ये जो बातें कह रहे हैं और कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले इंडिया भारत का एक जंग छेड़ दी, वो नहीं चल पाई तो उन्होंने महिला आरक्षण का एक शगुफा छोड़ा, वो भी उसका नहीं चला तो वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ा। ये सरकार शगुफों पर चलती है। असलियत यह है कि महिला आरक्षण एक वो कानून बना है जिसको बनने के बाद महिलाओं से कह दिया गया अभी नहीं, 16 साल इंतजार कीजिए। काफी सोच है, हैदराबाद से इलेक्शन लड़े उन्होंने, जो भिडूरी वाला भी मामला हुआ उसके ऊपर कहा कि कांग्रेस ने किसी चीज पे अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये सब एक ही हैं और मैं ही हूँ जो बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ू, ये सब घटक दल एक है। मुझे इस पर दो टिप्पणियां करनी है। मेरा एक काउंटर चैलेंज है असदुद्दीन ओवैसी जी को, तेलंगाना की सारी सीट लिख कर दिखा दें, सारी सीट पे लड़े चुनाव, इधर उधर की बातें मत करें। वो नहीं करेंगे अपने राज्य गृह तेलंगाना में सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार आएंगे, यूपी आएंगे, किसकी मदद करने आते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और जहां तक रमेश भिदूड़ी की बात है, जितना पुरजोर विरोध उनके वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है, और सिर्फ एक नेता दानिश अली के साथ जाके खड़े हो गए, उसको ढांढस बधाया उनको और ये विश्वास दिलाया कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और तब जब बीएसपी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है, बहन जी ने अभी तक अपना कोई सपोर्ट नहीं दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी गए, दानिश अली के साथ खड़े हुए और एक संदेश दिया कि जहां पर भी गलत होगा, जहां पर भी अन्याय होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो खड़े हुए नजर आएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी चले जाते, क्यों नहीं चले गए? बिल का विरोध कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है तो उसको बिल का विरोध करना चाहिए था, हमने ही विरोध किया। हम महिलाओं के साथ है ना, ये क्या बेवकूफी की बात वो कर रहे हैं? आधी आबादी को भी और इंतजार कराया जाएगा? सरकार तो करा ही रही है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की चले तो महिलाएं कभी सशक्ति ना हो पाए।